हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिस इज यश, योर टेकमेट। और दोस्तों, Amazon Flipkart पर मेले लग चुके हैं। बड़े बड़े मेले नहीं है, छोटे छोटे मेले लगे हैं, छोटी छोटी सेल्स हैं, छोटे छोटे डिस्काउंट्स आपको भी मिल रहे हैं, लेकिन सेल का सीजन स्टार्ट हो चुका है भाई। Flipkart पर बिग सेविंग डेज सेल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। ठीक ठाक डील्स एंड डिस्काउंट आपको Flipkart पर भी मिल रहे हैं, एंड Amazon की प्राइम डे सेल भी कल से स्टार्ट होने वाली है। 15-16 जुलाई 2023 को ये सेल रहेगी, केवल और केवल प्राइम कस्टमर्स के लिए रहने वाली है, एंड ठीक ठाक डील्स एंड डिस्काउंट्स यहां पर भी आपको मिल जाते हैं। SBI या ICICI बैंक का अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो इस सेल का आप मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। कुछ 14 डील्स मैंने यहां पर नोट करके रखी हुई है, जिनके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एंड एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बातचीत को। लेकिन बातचीत को स्टार्ट करने के पहले आपको हल्का फुल्का ऑफर्स के बारे में समझा देता हूं। एक तो यहां पर आपको क्रेडिट कार्ड ऑफ मिल रहे हैं SBI और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर, जहां पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा मैक्सिमम 1000 रुपीज का। उसी के साथ में यहां पर आपको कूपन डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल रहे हैं, साथ ही साथ एडिशनल एक्सचेंज बोनस भी यहां पर आपको मिल रहा है। मतलब कार्ड डिस्काउंट भी आपको मिलेगा और एक्सचेंज बोनस भी आपको मिलेगा। तो अगर इस सेल का आपको मैक्सिमम फायदा उठाना है तो या तो SBI या ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ कर लो, या एक पुराना सा फोन का जुगाड़ कर लो जिसको आप एक्सचेंज कर पाओ, ताकि आप इस सेल का मैक्सिमम फायदा उठा पाए। बात करते हैं डील्स के बारे में। सबसे पहली जो डील आ रही है वो आ रही है Redmi 12C के ऊपर। ये जो स्मार्टफोन है, डिसेंट स्मार्टफोन है, एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है। 8499 रुपीज फोन का प्राइस है। 700 रुपीज का यहाँ पर आपको कूपन डिस्काउंट मिलेगा, कोई कार्ड डिस्काउंट यहाँ पर नहीं है, केवल 700 का आपको कूपन डिस्काउंट मिलता है। इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 7749 रुपीज का। 7500 के प्राइस पॉइंट पर डिसेंट स्मार्टफोन है, खरीदना चाहे डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। इसके बाद में Realme Narzo N55 10999 रुपए फोन का प्राइस है, 500 रुपए का यहाँ पर आपको कूपन डिस्काउंट मिलेगा। इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 10499 रुपए का। अगर इसका आप 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो उसका प्राइस है 12999 रुपीज, वहां पर आपको 1000 रुपए का कूपन डिस्काउंट मिलेगा। इफेक्टिवली वो स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 11999 रुपीज का। Narzo N55 डिसेंट स्मार्टफोन है, खरीदना चाहे आप खरीद सकते हैं। नाउ इट कम्स टू OnePlus Nord 3 की अगर बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है 33999 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया है। 1000 रुपए आपको क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट मिलेगा SBI एंड ICICI बैंक, दोनों बैंक के कार्ड्स पर। इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 32999 रुपीज में। OnePlus Nord 3 लिटरली बहुत अच्छी डील है भाई, खरीदना चाहे डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। Samsung Galaxy M34 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 18999 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया है। 2000 रुपए का यहां पर आपको कार्ड डिस्काउंट मिलेगा SBI और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर। साथ ही साथ फर्स्ट सेल में प्री बुक करके अगर आप परचेस करते हैं तो सैमसंग का चार्जर भी आपको फ्री मिलने वाला है। सो इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 16999 रुपए का, प्लस 2000 रुपए का यहाँ पर आपको एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। मतलब आप अगर अपने किसी पुराने फोन को एक्सचेंज करते हैं तो फोन की वैल्यू जो आती है वो तो आती है, आपको 2000 रुपए का एक्सचेंज बोनस भी मिलने वाला है। तो इफेक्टिवली इस स्मार्टफोन को आप 14999 रुपीज में परचेस कर सकते हैं, माइनस द वैल्यू ऑफ योर स्मार्टफोन जो आप एक्सचेंज करने वाले हैं। सो डील अच्छी है, डेफिनेटली इसकी तरफ आप देख सकते हैं। और M34 अच्छा स्मार्टफोन है भाई। Narzo 60 Pro 23999 रुपीज फोन का प्राइस है। 750 रुपीज का आपको नॉन EMI ट्रांजेक्शन पर ऑफ मिलेगा, एंड 1500 रुपए का आपको EMI ट्रांजेक्शन पर ऑफ मिलेगा SBI और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पर। इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 22499 रुपीज का, अगर आप EMI पर लेते हैं तो। 22500 के प्राइस पॉइंट पर अच्छा स्मार्टफोन है, खरीदना चाहें डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। इसके बाद में सबसे ज्यादा जो फोन अभी पॉपुलर है, iQOO Neo 7 Pro 34999 रुपीज फोन का प्राइस है। 2000 रुपए का यहाँ पर आपको ऑफ मिल रहा है SBI और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पर। 3000 रुपए का आपको ऑफ मिलेगा HDFC बैंक के EMI ट्रांजेक्शन पर, एंड साथ ही साथ 1000 रुपए का आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इफेक्टिवली इस स्मार्टफोन को आप खरीद सकते हैं 31999 रुपीज में। EMI ट्रांजेक्शन पर अगर आप लेंगे तो परचेस कर सकते हैं 30999 रुपीज में, प्लस
2000 रुपए का यहां पर आपको एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। तो इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको मिल सकता है HDFC के EMI ट्रांजेक्शंस के साथ में प्लस एक्सचेंज बोनस के साथ में मात्र 28,999 रुपीज में। एंड अगर आप EMI नहीं कराते हैं तो भी आप 29,999 रुपीज में इस फोन को परचेस कर सकते हैं 30,000 के प्राइस पॉइंट पर। iQOO Neo 7 Pro धमाकेदार डील है भाई, डेफिनेटली आप कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद में OnePlus 11 5G 56,999 फोन का प्राइस है। 2000 रुपए का ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 54,999 का 55,000 के प्राइस पॉइंट पर। OnePlus 11 5G डिसेंट स्मार्टफोन है, खरीदना चाहें डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। OnePlus 11R Nothing Phone 2 जो लॉन्च हुआ है उसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो OnePlus 11R है। हाँ, Nothing Phone 2 और अगर OnePlus 11R में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक डिटेल्ड कंपैरिजन हमने बना रखा है, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। OnePlus 11R का जो प्राइस है वो है 39,999 रुपीज। 1000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट मिलेगा ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर। इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 38,999 रुपीज में। 38,999 के प्राइस पॉइंट पर अच्छा स्मार्टफोन है, खरीदना चाहें डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। इसके बाद में OnePlus 10 Pro 56,999 फोन का प्राइस है। 5,000 रुपए का आपको ऑफ मिलेगा ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर। इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 51,999 रुपीज का। 52,000 के प्राइस पॉइंट पर OnePlus 10 Pro अच्छा ऑप्शन है, खरीदना चाहे डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। एंड Xiaomi 12 Pro भाई साहब, ये जो स्मार्टफोन है धमाकेदार स्मार्टफोन है। 41,999 रुपीज फोन का प्राइस है। SBI के क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 39,999 रुपीज में। और 40,000 के प्राइस पॉइंट पर Xiaomi 12 Pro मेरे हिसाब से बहुत अच्छी डील है, खरीदना चाहें डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। iQOO 11 5G तगड़ा स्मार्टफोन है भाई, लिटरली तगड़ा स्मार्टफोन है। 54,999 रुपीज फोन का प्राइस है। 5,700 रुपए का आपको ऑफ मिलेगा ICICI, SBI और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के EMI वाले ट्रांजेक्शंस पर। एंड नॉन EMI अगर आप करते हैं तो 4,950 रुपए का आपको ऑफ मिलेगा। अगर आप EMI पर जाते हैं तो इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको पड़ेगा 49,299 रुपीज का। अगर आप नॉन EMI पर जाते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको पड़ेगा 50,049 रुपीज का। 50,000 के प्राइस पॉइंट पर iQOO 11 5G डिसेंट ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, खरीदना चाहें डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। इसके बाद में लावा अग्नि 2 21,999 रुपीज फोन का प्राइस है। 1,000 रुपए का यहां पर आपको कार्ड डिस्काउंट मिलेगा। इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 20,999 रुपीज में। 8GB प्लस 256GB तगड़ा स्मार्टफोन है, डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। एंड लास्ट लावा ब्लेज 2 8,999 रुपीज फोन का प्राइस है। 900 रुपए का आपको ऑफ मिलेगा ICICI एंड SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पर। इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 8,099 रुपीज में। 6GB प्लस 128GB वेरियंट ग्लास बिल्ड के साथ में तगड़ा स्मार्टफोन है, डेफिनेटली अगर आप खरीदना चाहते हैं लावा ब्लेज 2 आप परचेस कर सकते हैं। तो ये थी कुछ 14 डील्स जो कि मुझे लगता है कि Amazon प्राइम डेज में अच्छी डील्स है। वैसे डील्स तो बहुत सारी मिल रही हैं, लेकिन अच्छी डील्स जो मुझे लगी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कौन सी डील में आप इंटरेस्टेड हैं कमेंट करके जरूर से बता देना। इनमें से कौन सी डील में सबसे ज्यादा आपका इंटरेस्ट है, कौन सा स्मार्टफोन आप परचेस करना चाहते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।